हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को नमस्कार सतरकाल असलकुम जय हिंद जय भारत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एम डी क्लासेस में वीडियो में आने से पहले क्लास में आने से पहले आप सबको पता है कि वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिया मैम की लाडो नमस्कार अभिषेक ब्रिजेश लोहार जी मुन्ना जी आ, संजेश जी महारो प्यारो नमस्ते आपको भी ढेर सारा नमस्ते चंद बाहर कोई गिर गया क्या आवाज़ तो ऐसे ही आई मुन्ना जी सुमे जी आनंद जी राजू आर्मी वेरी गुड आफ्टरनून आनंद वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून तो वीडियो को शेयर किया किया कि नहीं जयंता जी नमस्कार रुपेश अमित वेरी गुड आफ्टरनून बंसल जी नमस्ते प्रदीप नमस्ते वेरी गुड आफ्टरनून अमित हारून जी वेरी गुड आफ्टरनून तो इतने कम क्यों हो भाई वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए मन मन नहीं कर रहा है शेयर करने का संजेश आर्मी अच्छा बताते हैं अभी आकर के रुक जाओ <laughs> सूरज सुमेन रजनीश अभिषेक खुश रहो भाई मैथ जी हाँ जी तो कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका नाम छूट गया हो कुशवाहा हाँ राहुल गेमर आनंद आदर्श मोनू जयंता जितेंद्र निधि बंटू गुड आफ्टरनून सचिन सत्रुधन और किसी का नाम छूटा सुरभी लोहार दीप्ति खुशबू जी वेरी गुड आफ्टरनून योगेश वेरी गुड आफ्टरनून मोनू चंद वेरी गुड आफ्टरनून राजेश वेलकम नमस्कार ईशांत संतोष प्रवीण अच्छा तो चलिए बाकी लोग आते जाएंगे जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सबको नमस्कार जितने लोग जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है और अब धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे ज़्यादा देर इंतजार करेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा टाइम तो बर्बाद करते ना करते हुए वक्त को ज्यादा जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन किया हुआ था ठीक और श्रवण जी तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन पार्ट टू में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सीरीज वो क्वेश्चन जो कि आपके पिक्चर में बनते हैं पिक्चर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप सब रेडी हैं निकलो भाई जल्दी से विजय आज मैम मेरा बर्थडे है ना आ, है ना छूट गया बर्थडे छूट गया क्या मतलब समझे नहीं गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून चलिए तो बहुत बढ़िया श्रवण सब रेडी है सब ने कॉमेंट कर दिया यस मैम रेडी हैं तो इंतजार किस बात का है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नॉन वर्बर में ये हमारा पहला क्वेश्चन ठीक अब देखो इस तरह का नॉन वर्बल का क्वेश्चन सॉरी 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 क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी लगाया था और आज अगेन हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको अलग अलग कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा कल वाला क्वेश्चन कुछ और था आज वाला क्वेश्चन कुछ और है और ये सारा ग्रुप डी में पूछा हुआ है ये भी आपका प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है पिछले साल किसी भी ईयर में सत्रह अट्ठारह या बीस में आपका ये बीस में नहीं लेकिन ये पूछा जा चुका है तो सी आंसर सी और सी में दिया हुआ है डी फिगर यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आपने आंसर किया सी हम समझ गए सी का मतलब यानी कि ऑप्शन डी क्यों क्योंकि सब में हाफ पोर्शन हमको मिल रहा है डार्कन साइड और यहाँ पे हाफ से ज्यादा पोर्शन डार्क किया हुआ है और इसलिए यही फिगर बाकी सब में क्या है भिन्न है है ना बहुत बढ़िया मनोहर जी चलिए अब यहाँ पर बताइए क्या प्रश्न आंसर क्या होगा जो बाकी सबसे भिन्न होगा कोई एक जो लगे कि बाकी सबसे भिन्न है जयंता चार्ली सूरज अरुण तो अच्छा क्या टाइमर देने की जरूरत है आप लोगों को क्या यहां पे टाइमर देने की जरूरत है हमें लगता तो नहीं है टाइमर देने की जरूरत है पर फिर भी चलिए हम 10 सेकेंड का टाइमर आप लोगों को जरूर देंगे और ऑप्शन आ रहा है सी सी में दिया हुआ है ई e. तो क्या ई e वाला फिगर ही लगाया है या फिर इस सी को बोला है तो सी क्यों लगाया है अच्छा रीजन बताना हाँ बिल्कुल सही जिन्होंने ई e बोला हुआ है जो कि ऑप्शन सी में है फिगर ई e. लेकिन क्या सोच के आप लोगों ने यहाँ पर सी आंसर uh, किया प्लस क्यों सारे तो सिम्बल्स हैं हमारे फिर प्लस अलग क्यों होगा भाई प्लस अलग होने का रीजन क्या होगा ये काम नहीं कर रही क्या ए थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दो क्या होगा रीजन बताओ वेरी गुड आफ्टरनून किसी को रीजन नहीं है पता डॉटेड डॉटेड अच्छा ये कैलकुलेट में है अच्छा नो पेयर ओके क्योंकि सिग्नल है तो सिंगल है तो अच्छा तो तुमको क्या लग रहा है कि ये पेयर में है ये ये एक कोई कपल लिख रहा है आपको वो सिंगल है तो ये कपल है देखो सिंगल वंकल शब्द बोलोगे ना तो बहुत लोग हैं जिनको यहाँ पे रो देंगे अभी सिंगल शब्द सुनकर ही कि यार मैं भी तो सिंगल हूं तो ऐसा वाला काम मत करना ठीक बिल्कुल सही हमारा आंसर ई होगा लेकिन अगर कहें तो ये मैथमेटिकल आपका सिम्बल है ये मैथ्स के टर्म में यूज होता है और ये सारा आपका ग्रामेटिकल है ग्रामर में यूज होता है समझे या समझाएं हाँ जी परवीन बिल्कुल सही बात कही है आपने देखो कुछ लोग सिंगल शब्द सुन के ही दुखती पे हाथ रख देते हो सबके हाँ आगे से ऐसा काम मत करिएगा राजस्थानी बोलो हाँ जी खड़ा खंबा आपको रमेश राजस्थानी में हमको इतना ही आता है चलिए हम कोई राजस्थान से रह के तो आए नहीं जो हमें आइडिया होगा हाँ देखो आदि जी का भी दर्द छलक उठा नहीं नहीं आदि जी का दर्द नहीं आदि जी की स्माइल निकल आई तो यहाँ पर हमको इन चारों में से कोई एक विषम बताना है दस सेकेंड का टाइम समाप्त आंसर आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे सर्कल ओवरलैप 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 तीनों फिगर में जो सर्कल है वो ओवरलैप कर रहे हैं पर यहाँ पर ओवरलैप पूरा कंप्लीट कवर कर रहा है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर जा रहा है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पी डी एफ कहाँ है कौन सी पी डी एफ कौन सी पी ये तो अभी शुरुआत ही करे हैं हम लोग और चलिए दस सेकेंड का टाइमर आप सबको फिर दिया हमने अगेन दस सेकेंड का वीडियो को शेयर कर दो भाई नहीं करने का मन कर रहा है क्या शेयर शेयर वेयर कर दीजिए ये हुआ हमारा दस सेकेंड समाप्त ठीक है बहुत बढ़िया तो सी आंसर आया अब आंसर यहाँ पे हम क्या लगाएं देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार लेकिन यहाँ पर पांच दिया हुआ है और इसलिए सी वाला फिगर जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है सब में जो डिजिट्स हैं ये ग्रुप डी के प्रश्न ही करा रहे हैं कि आप समझ सको कि किस किस तरह के क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे तो देखो ग्रुप डी में एक इस तरह का प्रश्न भी बना था जो आसानी से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने और अब यहाँ पे क्या आंसर लगा देंगे अब ये चारों आकृति हमें एक जैसी दिख रही है लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आप आंसर क्या लगाते हो ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जिसको होल्ड पे डाल दिया गया था हाँ तो सी डी सबका अलग अलग आंसर है बिल्कुल अलग अलग आंसर यहाँ पर आने लगे देखो ये हमारा जा रहा है घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में लेकिन ये घड़ी के विपरीत दिशा में तो डी वाला फिगर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए और आप लोगों का आंसर अलग अलग आया था लेकिन अलग अलग आंसर नहीं आएगा ठीक है ऑब्वियस सी बात है यहां पर डी फिगर ये समझ में आ गया सबको समझ में आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं ये रहा दस सेकेंड अगेन अब देखते ही आंसर आ जाना चाहिए हमारे ख्याल से हमारे ख्याल से देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपको राजस्थान मेरे कोडिंग सेंटर पर जी हाँ क्या क्या कमेंट करते हैं कि हम समझ में भी नहीं पाते हैं बताओ भाई अब यहाँ पे क्या आंसर लगाते अब ये क्वेश्चन जो है कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया इसमें देखो यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है तो यहाँ पे चार ब्लैक डॉट है तो आंसर सी होना चाहिए यानी सी वाला फिगर होना चाहिए तो सी और डी फिगर में कैसे आंसर लगाओगे तो आप लोग डी कह रहे हो यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन बी में दिया गया है डी वाला फिगर लेकिन आप लोग ये डी फिगर क्यों बोल रहे हो रीजन बताओगे भाई यहाँ पे एक ब्लैक डॉट यहाँ पे एक ब्लैक डॉट तो चार और यहाँ पर दो ठीक है तो यहाँ पे चार ब्लैक डॉट यहाँ पे दो ब्लैक डॉट तो क्या सोच करके आपने डी वाले को आंसर लगाया भाई सी भी तो एक विषम हो सकता है हो सकता है ना हाँ जी बिल्कुल सही बात कहा है, है आपने कि बाकी सब में चार डॉट्स हैं भले ये एक डॉट ब्लैक है एक डॉट ब्लैक है चार डॉट ब्लैक है लेकिन इन तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पर चार डॉट्स हैं और यहाँ पर दो ही डॉट्स हैं और इसलिए आंसर होगा डी वाला फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ये रहा हमारा दस सेकेंड चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है ग्रुप डी में ये भी प्रश्न पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं मैम आप राजस्थान वालों पे ध्यान नहीं देते हैं बहुत दूर है ना राजस्थान इसलिए नहीं ध्यान दे पाते हैं तो ये दस सेकेंड सफिशियंट हमारे पास और आंसर क्या हो जाएगा सी वाला फिगर जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है एक एहर है एक ओहर है यहाँ पर भी एहर है ओहर है फिर एहर है ओहर है पर यहाँ पे ओहर ओहर है यहाँ पे एक ही तरफ है है ना तो इसलिए सी वाला फिगर जो कि हमको किस ऑप्शन में मिल रहा है बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर लगाया है सी वाला फिगर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा दस सेकेंड फिर से आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है हम बहुत ही आराम से आंसर कर सकते हैं और ये रहा दस सेकेंड समाप्त हुआ <coughs> ये रहा दस सेकेंड समाप्त और ए वाला फिगर जो हमको ऑप्शन सी में मिल रहा है क्योंकि बाकी तीनों में क्या देखने को मिल रहा है स्टार किसी एक ब्लॉक में है और यहां पर सेंटर में है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जिस प्रश्न में लगेगा कि इंतजार रुकना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा डेफिनेटली वहां पर रुकेंगे और जिस प्रश्न में रुकने की जरूरत नहीं है वहां पर नहीं रुकेंगे तो दस सेकेंड यहाँ भी समाप्त हो गया और बताओ आंसर क्या आ गया आप लोगों का बहुत बढ़िया सत्यजीत आदि संजीश योगेश वाला फिगर जो कि ऑप्शन सी में है क्योंकि यहाँ दो आकृतियां अधूरी है दो अधूरी आकृतियां दो अधूरी आकृतियां यहां एक आकृति तो अधूरी है लेकिन दूसरी आकृति पूरी है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वाला फिगर C वाला ऑप्शन जिसमें डी फिगर हमें दिया गया है चलो नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और ये रहा हमारा टाइमर दस सेकेंड का टाइमर अब यहां पे क्या आंसर लगा देंगे सोच के लगाइएगा आंसर हाँ जी बहुत बढ़िया वेल्डन 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 बी वाला ऑप्शन क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है ना यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन बट ये डायरेक्शन अलग जा रही है ये तो डायरेक्शन अलग ही जा रही है है ना और इसलिए केवल यही वो फिगर है जो कि बाकी सबसे क्या होगा भिन्न होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते है और इसी के साथ आप लोगों ने लाइक्स की संख्या बढ़ा दी है और आपको बता दे कि आज नेक्स्ट क्लास होने वाली है यानी कि आज होने वाला है महातांडव कल सावन का पहला दिन था आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को सुनने को मिली सात बजे आए थे ना सबके सब, सब आए थे ना तो आप लोगों को बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिली होंगी और अब आपको उसी के साथ आपको पता चल गया होगा कल ही कि महातांडव यानी आज होने वाला है रात नौ बजे जो कि करेंगे कौन अभिषेक सर और सत्यम सर ठीक है तो दो घंटे का लगातार ये तांडव होने वाला है आइएगा जरूर रात नौ बजे टाइम नोट कर लीजिएगा ठीक है मैम इनपुट आउटपुट और क्यूब कब पढ़ाएंगी टेस्ट में एक एक क्वेश्चन दोनों टॉपिक से है आज हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे इनपुट आउटपुट पर भी और बाकी के क्वेश्चन पर भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ बना के आपको प्रोवाइड करते रहेंगे कि जब क्लास होगी तब होगी और क्लास के पहले भी आपकी कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएँ तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए ए में दिया है सी फिगर तो बिल्कुल सही जो ये दोनों हैं सेम आकृतियां अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल रही पर यहां पर ट्राइंगल है सेम आकृतियां नहीं है सो द राइट आंसर इज सी फिगर ऑप्शन ए अब आ गए अगेन दस सेकेंड हमारे पास फिर से दस सेकेंड हमारे पास और अब क्या लगता है कौन सा आंसर लगा देंगे तो बिल्कुल सही आ गया आंसर इतनी देर में सबका आ चुका होगा इतनी देर में सबका आंसर ए ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है डी वाला फिगर क्योंकि सब में दो सर्कल्स देखने को मिले थे यहाँ एक सर्कल अब आप बताओ कि इतना आसान प्रश्न क्या पूछा जा रहा था ग्रुप डी में तो आप ही सोचो ना हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम वो प्रश्न करा रहे हैं जो पूछा गया है ग्रुप डी में और देखो कितने आसान प्रश्न पूछे गए अगला देखो कौन सा पूछा गया था अगला प्रश्न देखिए ये पूछा गया था ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी का हो गया यानी कि एनटीपीसी में भी हो गया आपका ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन और आप देख सकते हैं किस किस तरह से क्लासिफिकेशन से प्रश्न बना है तो 10 सेकंड का टाइम खत्म आप यहाँ पे सेम आकृति है सेम आकृति सेम आकृति यहाँ अपोजिट आकृति ये सस्ट भुज है ये चतुर्भुज है यानी डी फिगर कहाँ मिल रहा है डी फिगर मैम ऑप्शन सी में मिल रहा है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रजनीश बहुत बढ़िया भाई रूपेश चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते लेते हैं हैं इसी के साथ और ये रहा टाइमर टाइमर बाबू को हम इधर रख लेते हैं कि हमें बार-बार घूमना ना पड़े अब बताओ दस में क्या ये आंसर कर पाओगे आसान और ये हुआ हमारा समाप्त, बहुत ही होने वाला है तो 10 सेकेंड हमारे समाप्त हो गए पर ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट यहां पे सेम डायरेक्शन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन तो फिर कौन सा हम विषम बता दे भाई आंसर आ रहा है ए और सी और बी और डी सारे ही तो आंसर कर दिए मैम रीजनिंग पूरा पढ़ाइएगा पूरी, पूरी अब देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं क्या लॉजिक लगा सकते हैं बताओ भाई अगर अगर यहां पे हम लॉजिक ढूंढने की बात करें तो ओपीए राज किशोर जी एक किस बेस पे लगा रहे हो भाई क्या लॉजिक बताना कोई प्रेफर करेगा हमें अच्छा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है हम आपको बता देते हैं बहुत ही आसान सा प्रश्न हमको दिया गया है और यहाँ पर आ, कह सकते हैं कि हम्म क्या कह सकते हैं कुछ समझ में आ रहा है क्लॉक वाइज बहुत बढ़िया क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है है ना तो क्लाक वाइज रोटेट हो रहा है देखो ये घूम के यहाँ आया फिर ये घूम के यहाँ आया और फिर ये घूम के यहाँ आ गया ठीक है तो ये क्लॉक वाइज चला फिर ये क्लॉक वाइज चला तो यहाँ आ गया फिर अगली बार उधर चला गया सही तो चल रहा है क्लॉक कैसे रोटेशन बता सकते हैं हम लोग अगर इसकी क्लॉक रोटेशन लेते हैं तो ये पूरा रोटेट करके नीचे आया फिर ये रोटेट करके ऊपर फिर नीचे तो ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और क्या लॉजिक लग सकता है एक ही है सब हम्म देख लेते हैं हम्म हमको तो लग रहा है एक जैसा ही है और या फिर क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो समूह से संबंधित नहीं है तो भी नहीं कह सकते नहीं कह सकते ना क्लॉक वाइज क्या घूम रहा है अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये पूछा गया था आपका 2018 में आर के 2018 में ये एक हमारा प्रश्न आया हुआ था ठीक है टेलीग्राम का ग्रुप कौन सा है टेलीग्राम का ग्रुप कौन सा है कैसे बता दें आपको टेलीग्राम का ग्रुप प्रिया मैम के नाम से सर्च कर लो चलो बताओ भाई लॉजिक किसको मिल गया हमको तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है इस फिगर में। अगर आप क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आया हुआ था अगर हम डॉट को पकड़ रहे तो भाई घड़ी की दिशा में घूम रहा है घूम रहा है घड़ी की दिशा में तो घड़ी की दिशा में ही तो घूम रहा है तो हम कैसे से कही दे कि मैम घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है नहीं खे चलना ठीक चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज्यादा देर मत रुको इस प्रश्न पे ज्यादा देर मत रुको इस प्रश्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और ये तो तुरंत ही आंसर कर देंगे ठीक है क्योंकि आपको भी पता है कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि फंस गए थे और जो कि बाद में चेक किया गया था कि कब उसका सही आंसर क्या होगा ये तो आपको भी पता है नहीं अब यहाँ पर आंसर हम क्या लगा देंगे दो वाला क्यों क्योंकि ये सभी 90 डिग्री पर हैं ये सारे के सारे क्या है 90 डिग्री पर है और ये आपका 180 डिग्री पर है ये हमें साफ़ दिख रहा है चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब ये किस पर वर्क करेगा मैम ये रोटेशन पर वर्क करेगा चलो बता दो फटाफट से कौन सी रोटेशन पर वर्क करेगा और आंसर क्या लगा दोगे बहुत बढ़िया वेरी गुड जिनका भी आंसर आ गया टाइमर हमने दिया नहीं क्या आंसर किया है सभी ने देखो तीसरा वाला फिगर जो ऑप्शन ए कह रहे हैं वेल्डन well क्यों भाई क्योंकि ये देखो घड़ी की दिशा में है ना अगर कहें कि ये ऐसे टर्न था फिर ये घड़ी के विपरीत दिशा में मिला फिर घड़ी के विपरीत दिशा में मिलना चाहिए तो ऐसे मिलना चाहिए ना तो ये तो डाउन बर्थ में दिख रहा है हमको आकृति घड़ी के विपरीत दिशा ऐसे मिलनी चाहिए और जबकि हमको ऐसे मिल रही है सो so, तीसरा वाला फिगर और ये फिगर हमको मिल रहा है ऑप्शन ए में सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए और अगेन 10 सेकेंड का टाइमर हमारे पास चलो अब फटाफट से फिर से आंसर कर दो इसमें क्या आंसर आ जाएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है एक दो तीन चार पांच में कौन सा विभिन्न है मैम पंद्रह का डी निडल छोटा है आ, आ, नहीं नहीं ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा भाई ठीक है चलो बताओ आंसर आ गया बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है डी वा ये पांचवा वाला फिगर जो कि हमको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी में क्यों भाई क्योंकि यहां पे देखो जो भी आकृति है एक सेमी सर्कल है आ, रेखाओं के साथ एक सेमी सर्कल रेखाओं के साथ एक सेमी सर्कल इसको बोल सकते हैं या एक चाप वाली आकृति बोल सकते हैं है ना यहाँ पे भी एक चाप मिल रहा है लेकिन ये सारी की सारी सीधी रेखा मिल रही है कोई चाप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा सर्कल में एक चाप लगाते हैं ऐसे जानते हैं ना या सेमी सर्कल बोल लीजिए इसको तो हम को देखने को नहीं मिल रहा और पांचवा एक और आसान सा प्रश्न मात्र दस सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं दस सेकेंड क्या इस क्वेश्चन को तो हम लोग छह सेकेंड में कर सकते हैं क्यों सूरज गणपत बताइएगा सरोज जी संजीव एक गलत हो गया आपका ठीक है कोई बात नहीं अच्छा क्वेश्चन नंबर पंद्रह पे हम फिर से आ जाएंगे हमें बता देना हम वापस से आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर सी वाला फिगर और ये सी फिगर हमको डी में मिल रहा है क्योंकि ए बी और डी की आकृति पूरी है लेकिन सी वाली आकृति पूरी नहीं है किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट लग जाएगा तो क्लास की लास्ट में बताना हम एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ये रहा हमारे पास दस सेकेंड का टाइम अब बताओ इनमें क्या आंसर लगाओगे अब इन चारों में हम क्या आंसर लगा सकते हैं एक जैसी आकृतियां हैं हमारे पास और ये हमारा दस सेकेंड का टाइम समाप्त बताओ भाई क्या आंसर लगा दिया सी यानी कि सी हमें दिया हुआ है सी वाले फिगर में ऐसा क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक डॉट एक ब्लैक यहाँ पे दो ब्लैक और यहाँ पे एक ब्लैक सो सी वाला फिगर बाकी सबसे भिन्न है और फिर हमारे पास दस सेकेंड का टाइमर फिर से दस सेकेंड का टाइमर और 10 सेकंड के अंदर हम एक बार ग्रुप डी में सोचो ये प्रश्न भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया था इसके पहले जो एक प्रश्न फर्स गया था वो ए का था यहाँ पे 10 सेकंड हमारे समाप्त ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया यहाँ पर एरो और डॉट एरो और एरो और डॉट 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 एरो है ना सब नाइन्टी डिग्री पर चल रहा है लेकिन ये नाइन्टी डिग्री पर नहीं चल रहा है बाकी सब में कहीं ना कहीं नाइन्टी डिग्री का एंगल राइट एंगल बन रहा है डी वाले फिगर में राइट एंगल नहीं बन रहा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए में दिया गया डी फिगर और ये रहा दस सेकेंड का अगेन हमारे पास टाइमर दस सेकेंड में इसका भी आंसर कर देंगे और ये प्रश्न नॉन वर्बल से ज्यादा बनते हैं इसलिए हम आज इसकी क्लास अलग से करा रहे हैं आपको कि आप समझ सको कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे तो डी वाला फिगर जो कि हमको ऑप्शन ए में एक बार फिर से मिला है ए बी सी की आकृतियां कॉपी पेस्ट हैं डी वाली भी कॉपी पेस्ट है लेकिन ये तीनों आकृतियां अधूरी हैं और डी वाली आकृति पूरी है सो डी वाला फिगर जो कि देखो आपके मन में आएगा ना ये भी डबल 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 सारी आकृतियां तो डबल है तो विषम कौन सा लगाएं तो ये तीनों आकृतियां अधूरी है और ये वाली आकृति पूरी है और इसलिए यही वाला आंसर लगाएंगे और ये रहा अगला प्रश्न और आ जाओ हमारे घड़ियाल बाबू आप इधर चलिए तो हमारे घड़ियाल बाबू इधर आ गए और अब आप, आप इसका आंसर बताइए 10 सेकंड काफी हैं काफी है दस सेकेंड इसका आंसर करने के लिए इसी स्पीड में जिस स्पीड में आंसर कर रहे हैं काश उस स्पीड में लाइक कर दिया होता तो और अच्छा होता फिलहाल देखो यहाँ पे ए वाला फिगर होगा और ये ए फिगर हमको कहां मिल रहा है ऑप्शन बी में तो क्या बी ऑप्शन लगा दें हम लोग क्या बी ऑप्शन लगा दे अच्छा ये क्यों होगा कोई हमें बताएगा हमें नहीं पता ये सही है या नहीं ये आप हमें बताओगे तो बताओ भाई ये क्यों होगा जल्दी से बता दो जितेंद्र मुन्ना राजेश कपिल बी क्यों लगाएंगे भाई इस्माइली अच्छा इस्माइली टच है दोनों तरफ से टच है बहुत बढ़िया जिन्होंने कहा मैम ये जो है पूरी आकृति को टच कर रहा है पूरे सर्कल को टच कर रहा है लेकिन ये पूरे सर्कल को ये पूरी आकृति को टच ना करके केवल एक बेस को टच कर रहा है यहाँ पे भी देखो यहां पर भी ये आकृति नीचे वाले बेस पर है और ये नीचे वाले बेस पर है लेकिन ये क्या है ये आपका नीचे के बेस से लेके ऊपर के बेस को भी कवर कर रहा है सो ए वाला फिगर और ये हमको कहाँ मिल रहा है ये हमको मिल रहा है ऑप्शन ए में अच्छा एक लॉजिक और क्या लगा सकते हैं अगर ये लॉजिक लगाते हो तो इसके अलावा क्या लॉजिक है सही लॉजिक समझिएगा यह टच वाली तो आपने बात कर ली लेकिन ये आपका रेखाओं के अंदर सरकल इस्माइली है रेखाओं के अंदर इस्माइली है रेखाओं के जो एग्जैक्ट आपका लॉजिक है ना आपने जो लॉजिक बताया ठीक है सही है हमने कह दिया कि यहां पे टच हो रहा है यहां पे टच हो रहा है यहां पे टच हो रहा है यहां पे टच दोनों साइड हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन ए लेकिन जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो लॉजिक इसका ये है कि ये आपका रेखाओं के अंदर है ये भी चाहे ये पंचभुज चतुर्भुज और ये त्रिभुज लेकिन ये आपका सर्कल है ये किसी रेखा से मिलकर के नहीं बना है अगर यहाँ पे सस्ट भुज दे दिया जाता तो हम मान जाते कि एक जैसा फिगर है समझे क्लास की पीडीएफ कौन से टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम आ, हमारी टेक्निकल टीम टेलीग्राम का लिंक बच्चों को दे दे जिस पर ये पी जाती है और ताकि उससे भी हमारे सारे स्टूडेंट्स जुड़ सकें ठीक है बहुत बढ़िया फर्स्ट का इस्माइली हाँ, बड़का इस्माइली आप लोग दे। अब देखो एक प्रश्न ग्रुप डी में इस तरीके से भी पूछा गया ग्रुप डी में इस तरह सा भी एक प्रश्न पूछा गया अब ये प्रश्न आप सबको हम इससे पहले भी करा चुके हैं ना तो देखिए आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ से जुड़ जाइए और जुड़ करके आप लोग फटाफट से आपको मिल जाएगा पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी रात आठ नौ बजे तक ठीक है चलिए तो आंसर बताइएगा अब यहाँ पर हाँ जी इसमें लाइन नहीं है इसमें लाइन ही तो फॉलो करनी है देखो यहाँ पे टू लाइंस है यहाँ टू लाइंस है और कहाँ पर टू लाइंस है और 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 मैम यहाँ भी टू लाइंस है और हमको उपरोक्त समूह के समान आकृति यानी एक ग्रुप को अलग करना है तो ये तीनों में ही दो दो आकृति है एक दो तीन एक दो पांच है ठीक है एक दो तीन है एक दो तीन है यानी ये ऑप्शन दोनों काट दो अब या तो बी होगा या तो डी होगा तो आगे दे रहा है पांच छः चार या तो पांच छः आठ तो पांच छः को पकड़ो पांच छ और छः के साथ चार होना चाहिए एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन तो पाँच चार पाँच छः होना चाहिए यानी कि ऑप्शन बी सही होगा डी वाला फिगर गलत होगा तो इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में ठीक है जहां पर ग्रुप का पेयर करना होगा और वो पेयरिंग एक किसी खास व्यवस्था पर आधारित होगा जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम आपको और करा दें इसी तरीके का मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं आ... कुछ इस तरीके से हमने आपको दिया अच्छा कुछ आकृत कुछ आकृति बना देते हैं ना चलो और आपसे कहें कि इसमें आकृतियां अलग करो अब ग्रुप बनाओ देखिए कौन ग्रुप बना पाता है क्या लॉजिक आप लोग लगाते हो इस ग्रुप को बनाने के लिए क्योंकि भैया जब ग्रुपिंग की बात आएगी पेयरिंग की बात आएगी तो वो कुछ भी आपको डिजाइन आकृति कुछ भी बना के दे सकता है हाँ जी तो आ गई आवाज़ साउंड वाउंड चली गई थी अभी आ रही आवाज़ आप सब लोगों को अभी तो परफेक्ट आवाज आ रही है, आ, इसकी आवाज आ, रही है। आ, अगर इसकी आवाज़ आ रही होगी तो हमारे को पक्का सुनाई दे जाएगी साउंड भाग गया मैम हम वापस से पकड़ के ले आए कि ऐसे कहीं से कैसे तुम भाग सकते हो चलिए शुरू करें।, करें बिल्कुल करवा देंगे वो भी सिटिंग अरेंजमेंट भी तो आ गई ना आवाज हाँ जी प्रतीश जी क्वेश्चन नंबर प्रतीश वानी अभी आ जाते हैं चलो भाई प्रतीश वानी जो कह रहे हैं पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 और 14 पर दोबारा से आ जाते हैं हम लोग ठीक है नहीं तो कॉपी कौ, पेस्ट कर करके करके कर, 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 परेशान कर देंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर एक सीरीज़ हमें दी जाएगी उस सीरीज़ के बेस पर हमको क्लासिफिकेशन के प्रश्न दिए जाएंगे और ये उस सीरीज़ से कुछ पेयर बनाए गए और कौन सा है जो समूह से फॉलो नहीं कर रहा आपको ये बताना है तो जैसे टू फाइव वन टू से फाइव पे गए और फाइव से हमें वन दिया हुआ है आ, ये तो बहुत दूर का दे दिया है टू फाइव वन एक तरफ नंबर लिख लिए गए हैं क्या ये सही बनाया गया है या कुछ आ, टू फाइव वन हो सकता है बहुत आराम से हो सकता है है ना फिर डॉलर दे रहा है टी दे रहा है और क्यू दे रहा है तो डॉलर कहां पर है देखो पेयर कैसे बन रहा है? है टी है और एकदम लास्ट का फिर क्यू ले लिया गया है तो कह सकते हैं कि जब दो से पांच पर आए तो बीच के तीन एलिमेंट्स छोड़ करके और डॉलर से जब टी पर आए तो बीच के तीन एलिमेंट्स छोड़ करके है ना अभी इस पर केवल ध्यान देंगे ज़्यादा दूरी पर नहीं जाएंगे के से सेवन पे जा रहे हैं तो बीच के तीन एलिमेंट्स छोड़ के पहले टू लिया फिर ए छोड़ के डॉलर लिया और फिर डॉलर लेने के बाद तुरंत के लिया है और दो एलिमेंट ना छोड़ के तीन एलिमेंट छोड़ा है तीन एलिमेंट छोड़ के सात है ना? और सात लिया है उसके बाद ए है ए कहाँ पे मिल रहा है ये ए हमको ये मिल रहा है और तीन एलिमेंट छोड़ के परसेंट तीन एलिमेंट छोड़ के परसेंट देखने को मिल रहा है यानी यहाँ तक हम अगर देखें तो इन दोनों की पेयरिंग्स एक जैसी चली है अब हम आते हैं ये वन पे क्यू पे फिर वन पे और फिर एट द रेट पे ये कैसी पेयरिंग चल रही है तो पांच से एक पे जाओ पांच से एक पे गए कितने एलिमेंट हैं दो चार छः आठ दस बारह और एक तेरह तेरह एलिमेंट की गैपिंग आ रही है है ना अच्छा जब हम आए कहाँ पर आना है टी से क्यू पर से क्यू पर आए तो क्या तेरह एलिमेंट की गैपिंग देखने को मिलेगी देखो तीन तीन 3 नौ यहाँ तो नौ का ही पेयर गैपिंग है क्या हो गया थॉमस जी प्रिया मैम चिल्ल मैम आपका नाम अरे राकेश देखिए बता तो रही है क्या हो गया भाई दे 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 एक चीज आप लोगों को बता दें यहां थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है है ना आपको वन यहां पे करना है और यहाँ से वन हटा देना है ये थोड़ी सी एरर है और सीरीज में अगर सीरीज में अगर एरर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि और हमने पकड़ा कहाँ से फाइव से वन इतनी दूर गैपिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिर यहां पर गैपिंग बन नहीं रही थी ठीक है तो अब देखो टी से क्यू के बीच की कितनी गैपिंग है तो टी से क्यू हमको दे रहा है कुछ तो गड़बड़ है सीरीज में टाइपिंग इन्होंने कुछ गड़बड़ हो गई है चलो एक रुक जॉयस को देखते हैं अभी चलो आ जाते हैं अभी इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं थोड़ा सा स्किप करो यहाँ पे देखिए कहाँ पे कुछ एक एरर हुआ है छोटा सा और उस एरर पे अभी हम लोग फोक, फोकस कर लेते हैं ठीक है देखो तो अब आ जाते हैं सीरीज के सेम प्रश्न पे सेम प्रश्न पे वहाँ पे कुछ सिंबल ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है एक दो सिंबल अलग अलग होंगे तो पूरा का पूरा सीरीज गलत हो जाएगी तो इसलिए उसको अभी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ये अल्फाबेट्स नंबर्स को लेकर के और एक बार नंबर्स फिर से चेक कर ले डबल सिक्स uh, है देन एट है फिर डबल फाइव है फिर थ्री सेवन है फिर थ्री सेवन है फिर टू फाइव डबल एट हो गया है फिर सेवन एट है फिर वन डबल फाइव थ्री दिया हुआ है और अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भिन्न होगा बताओ हाँ जी प्रकाश अभी देख लेते हैं ठीक है विजय गुप्ता जी क्या आएगा 83 35 आंसर आ रहा है 83 35 अच्छा देखो अगर हम कहें कि 8 से 3 की ओर के बीच दो नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल मिल रहे हैं अब 3 से 5 में जा रहे हैं तो क्या हमको 3 से 5 के बीच में दो नंबर मिल रहे हैं बिल्कुल मिल रहे हैं अब आप सोचोगे मैम 3 से 5 का तो ये भी पेयर बन रहा है बिल्कुल बन रहा है लेकिन हमने क्या किया जब हमको एट और थ्री का पेयर दिया गया तो उसके बाद ये थ्री और फाइव का पेयर ले लिया अब टू और सेवन का पेयर ले रहा है अच्छा टू यहाँ है सेवन यहाँ है टू और सेवन के बीच में कितने की गैपिंग है तीन लेटर की गैपिंग है यहाँ देखो एक दो यहाँ देखो एक दो लेकिन टू से सेवन की ओर जा रहे हैं तो तीन तीन नंबर्स की गैपिंग है फिर एट और वन पे जाना है अब आप सोचोगे मैम एट और वन के बीच में तो कोई गैपिंग नहीं है तो यानी कि एट्टी वन भी हम आंसर कर सकते थे तो अगर आप इस एट और वन को ले रहे हो तो यहाँ पर क्या पता ये वाला एट और वन हूँ है ना ये भी तो एट और वन के बीच में दो नंबर की गैपिंग हमको देखने को मिल रही है मिल रही है ना तो एट और थ्री के बीच में दो नंबर तीन और पांच के बीच में दो नंबर आठ और एक के बीच में दो नंबर लेकिन दो और सात के बीच में तीन नंबर देखने को मिल रहे हैं और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है नमस्कार आपको भी अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और फिफ्टीन पे एक बार फिर से एक बार फिर से पहले क्वेश्चन नंबर चौदह और पंद्रह कर लेते हैं ठीक है चलो पंद्रह में क्या बता रहे थे पंद्रह में कोई कुछ और लॉजिक बता रहा था तो क्या लॉजिक लग रहा था आपको इस पंद्रह में कुछ अलग लॉजिक लग रहा है तो बता दीजिए और चौदह में क्या लग रहा था जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को कह रहे थे कि मैम एक बार फिर से चौबीस में आ जाते हैं अर्चना जी हां जी बिल्कुल बताइए अर्चना अरे इसमें बताइएगा ठीक है संजयस ये भी देख लेंगे तो इसमें क्या आंसर देखो यहाँ पर तो आसान सा था ये आपका 90 डिग्री बना रहा था ये आपका 90 डिग्री बना रहा था ये आपका 90 डिग्री बना रहा था पर यही एक आपका 180 डिग्री बना रहा था तो इसलिए हम लोगों को ये आंसर करना था करना था ना चलो ठीक है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर हाँ अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या बता रहे थे बताइए भाई चौदह का आंसर बी था चित्र डी अन्य सभी से भिन्न है क्योंकि डी को छोड़कर अन्य सभी दक्षिणावर्त घूम रहा, रहा है जबकि डी बारह घूम रहा है प्रतीश वानी जी देखो हमने यहाँ पे बताया अगर ये दक्षिणावर्त घूम रहा है दक्षिणावर्त वर्त घूमा तो ये स, ये ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा यही तो बताया था ना आपको इसको स्किप क्यों कराया था पूरा ये एक्सप्लेन करके बताया था ठीक फिर अब इसको अगर हम क्लॉक फिर घुमाएंगे क्लॉक फिर घुमाएंगे तो ये घूम के यहाँ पर आया आया कि नहीं आया है ना? और फिर इसको हमने क्लॉकवाइज़ घुमाया तो फिर यहाँ पर आ गया आया कि नहीं आया बताओ क्लॉक घूम करके है ना अब एरो पे ध्यान देते हैं अगर एरो क्लॉक हमने ये पूरा घुमाया तो एरो भी क्लॉक घूमेगा और डाउन में चला जाएगा डाउन में जाने के बाद फिर इसको हम पूरा क्लॉक घुमाएंगे तो ये अप में चला गया तो यहाँ अप यहाँ डाउन यहाँ अप यहाँ डाउन समझे पंद्रह का क्लॉक वाइज होगा बिल्कुल सही पंद्रह का क्लॉक वाइज होगा बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है ये चीज समझ में आई आपको और इसलिए इस क्वेश्चन को हमने हटवा दिया था कि भैया यहाँ पे एक जैसी चीजें हो रही हैं और इसलिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर इसी नंबर्स पर आधारित एक बार हम नंबर चेक कर लें कहीं कोई नंबर छूट ना जाए ठीक है हाँ जी बिल्कुल संजीव जी अब देखो यहाँ पे पहले हम नंबर चेक कर ले कोई नंबर छूट ना जाए क्योंकि नंबर छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो ये दे रहा है सिक्स सेवन फोर एट फाइव डबल एट एट फाइव डबल एट फोर एट थ्री टू फाइव एट सिक्स सेवन और एट थ्री एट बिल्कुल सही है चलो अब बताओ बताइएगा बहुत बढ़िया और कोई ठीक है सबका अपना अपना आंसर आ गया कोई टू सिक्स एट कह रहा है कोई सिक्स एट एट कह रहा है तो दो आंसर निकल करके आ रहे हैं दोनों में से कौन सा हो सकता है चलो देखते हैं सिक्स एट एट अगर ले रहा है तो हम कह सकते हैं। चलो पहले फोर टू सिक्स पकड़ते हैं ठीक है अगर सिक्स एट एट को हम लोग पकड़ रहे हैं बहुत बढ़िया देखो अगर हम सिक्स एट एट को पकड़ रहे हैं तो ये हो गया सिक्स ये हो गया एट दो छोड़ के दो छोड़ के एट मान लो एक पेयर ऐसा बन रहा है मान लो पहले अभी हम चेक करते हैं ठीक है फिर क्या कह रहा है फोर टू सिक्स तो फोर हो गया फिर टू हो गया फिर सिक्स हो गया दो दो नंबर्स को छोड़ करके ठीक है फिर दे रहा है फाइव फोर टू तो फाइव हो गया फोर हो गया फिर टू हो गया दो दो नंबर्स को छोड़ के टू सिक्स एट तो टू कहाँ पे है मान लो यही टू है तो टू हो गया सिक्स हो गया अब अगर ये एट लेते हैं तो एक नंबर का गैप है और अगर ये वाला एट लेते हैं तो तीन नंबर का गैप है है ना तो अगर हम टू सिक्स एट ले रहे हैं तो यही वो नंबर होगा यानी कि ऑप्शन लगा देंगे डी अगर आप ये ऑप्शन हो सकता है आपको ये लगा हो कि मैम ये सिक्स है ये एट है और ये एट है पर पता है मैंने ये वाला एट तुरंत इसलिए पकड़ा था क्योंकि दो दो यहाँ दो नंबर का गैप था तो हमने सोचा कि एक बार फिर से दो नंबर का गैप ले ले और इसलिए ये वाला सेकेंड वाला एट हमने पकड़ा और ऐसा जान के आपको डिजिट्स दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो पेयर समझ में आया सिक्स हो गया एट हो गया ये एट हो गया और कौन सा पेयर है यहाँ पे फोर टू सिक्स तो फोर हो गया टू हो गया सिक्स हो गया फिर फाइव फोर टू का पेयर ताकि आपको ये साफ़ सुथरा मिल जाए फाइव है फोर है देन टू है और उसके बाद टू सिक्स एट तो ये टू ये सिक्स और या तो ये एट या तो ये एट दोनों ही क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे अब गोदावरी गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन चारों में से हाँ जी निरंजन जी बिल्कुल सही बात है चलो गोदावरी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र इनमें से क्या आंसर लगा दोगे ऑप्शन सी सिंधु अच्छा और कोई गोदावरी नहीं होगा गंगा अच्छा ठीक है सिंधु अच्छा क्या आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रही हैं आपका नाम निकल गया सॉरी हम ध्यान नहीं दे पाए अच्छा ये बताओ सिंधु क्यों होगा अगर होगा तो गोदावरी क्यों नहीं होगा और अगर गंगा कह रहा हो तो क्यों होगा सिंधु क्यों नहीं होगा बताओ साउथ गोदावरी बहुत बढ़िया और कोई और कोई सोनू जी और कोई लॉजिक अब देखो इसमें बहुत सारे लॉजिक काम कर सकते हैं क्योंकि ये सारी नदियों के जो नाम दिए हुए हैं वो कोई नदी कहीं से निकलती है कहीं पे गिरती है कोई उत्तर से पश्चिम की ओर बह उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही होती है कोई किधर की ओर बह रही होती है, है ना तो हम कह सकते हैं क्योंकि सिंधु पाकिस्तान में इसलिए नहीं होगा अच्छा ये बड़का लॉजिक आप लोगों ने दिया गंगा की सहायक नदी नहीं है अच्छा और कोई अच्छा देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया था जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो इन्होंने लॉजिक ये लगाया था कि गोदावरी जो है जैसे आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये तीनों हिमालय से निकलने वाली नदिया आपको और ये आपकी जो नासिक से निकलती है महाराष्ट्र में जो है तो गोदावरी इन्होंने इस बेस पर जो आंसर लगाया गया नासिक गोदावरी को लगाया गया और गंगा को ब्रह्मपुत्र को और सिंधु को एक ग्रुप में डाला गया समझ में आ गया ठीक है हां जी तो हमने क्या बताया कई सारी है है ना कई सारे लॉजिक्स है और यहाँ पे जो लॉजिक इन लोगों ने लगा के गोदावरी आंसर किया था वो ये आंसर किया हुआ था फिलहाल अब ये क्योंकि हमारा एक डिपेंड कर जाता है जीके जी एस का क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं कई कही सारे लॉजिक्स को हमें देखना पड़ता है और तब जाकर के हम एक आंसर कर पाते हैं फिर अब जैसे डर बुद्धिमत्ता खुशी और गुस्सा तो ना तो ये आपका जीके से रिलेटेड है ना तो आपका साइंस से रिलेटेड है तो यहाँ पे अब आपकी खुद की जर्नल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं जो कि आपका का माइंड वर्क करता है उस पर या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि आईक्यू लेवल है ना उस पर ये सारी चीजें होता है तो अब हमको बोला है डर बुद्धिमत्ता खुशी और गुस्सा तो डर बुद्धिमत्ता और डर क्या है खुशी क्या है गुस्सा क्या है एक तरीके की ये फीलिंग है एक तरीके की भावनाएं हैं, डर एक तरीके की भावना है खुशी भावना है गुस्सा भावना है लेकिन बुद्धिमत्ता क्या एक तरीके का भावना है ये किसी प्रकार का एनी काइंड ऑफ फीलिंग किसी प्रकार की फीलिंग है नहीं है तो क्या हम बी आंसर लगा दें या आपने क्या आंसर लगाया हुआ है अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं एक्सप्रेशन हाँ जी बिल्कुल सही डर खुशी और गुस्सा एक, एक एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं है ना और कोई आंसर जो लगाएंगे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंसी जो होती है वो आपकी बाय बर्थ होती है बिल्कुल सही बात कही और इसी के साथ 300 लाइक्स भी आप लोग करने वाले हैं चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर माइक लाउड स्पीकर अब ये जो प्रश्न क्लासिफिकेशन का कुछ इस प्रकार से भी दिया गया यानी कि हर बार कुछ ना कुछ आप देख रहे हो कि कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं है ना तो इन्होंने क्या दिया माइक लाउड स्पीकर प्रोजेक्ट और एम्पलीफायर और अब इन चारों में से कोई तीर एक तरीके से सेम है और जो एक होगा वो बाकी सबसे विषम होगा तो माइक और लाउड स्पीकर एक जैसा काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर और एम्पलीफायर में कोई आंसर लगा दें क्या बताओ क्या होगा पिक्चर और कोई और कोई जो आंसर लगाना चाहेगा ट्वेंटी नाइन का डी डी में क्या दिया है प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर ठीक है और कोई कंफर्म है डी लगा दें और लाइक वाइक हो गए हैं मेरे अच्छे खासे आप लोग धड़ाधड़ लाइक कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का देखो लाइट स्पीकर माउक माइक और एम्पलीफायर एक जैसे एक ग्रुप का हो गया है लेकिन जो प्रोजेक्टर है इसमें आपकी आवाज़ के साथ साथ पिक्चर भी मिलती है है ना साउंड और पिक्चर एक साथ आपको सुनाई और दिखाई देता है और इसलिए जो ऑप्शन डी है वो बाकी सबसे क्या होगा फिगर होगा और वीडियो को आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा ये मुझे पूरा यकीन है जिन्होंने नहीं किया है, वो प्लीज शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे दो बजे आज है है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा आप सब लोगों को हो है ना जियो वोडाफोन एयरटेल और अमेजन अब क्या लगा दें अब अमेजन लगा दें अच्छा क्यों लगा दें क्योंकि ये सारे आपके एक कंपनी के नाम हैं है ना और अमेजन जंगल है Amazon नाम का Amazon जो नाम का जंगल है और हम ये भी दो लॉजिक यहाँ पे लगाए जा सकते हैं एक तो जियो वोडाफोन और एयरटेल आपकी कंपनी का नाम है और Amazon एक जंगल है ठीक दूसरा अगर आप कहो कि मैम जंगल नहीं ये तो आपका एक ये भी एक ब्रांड है एक कंपनी है तो बिल्कुल फिर Amazon आपकी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है ठीक है जबकि ये आपका अलग किसी ब्रांड का नाम है और ये आपकी ऑनलाइन परचेसिंग जहां आप जियो वोडाफोन और एयरटेल की भी चीज़ें खरीद कर सकते हैं जा करके। तो ये शॉपिंग के लिए एक आपका ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है आपकी आ गया समझ में सो Amazon सब इन सबसे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा चलो टर्टल क्रैप फ्रॉग और फिश क्या इसको हिंदी में दे दें टर्टल क्रैब फ्रॉग और फिश क्या इसको हिंदी में दे दें? क्या इसको हिंदी में दे दें? या कर लेंगे ऐसे ही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लोग क्रैब कह रहे हैं क्रैब का मतलब होता है केकड़ा फ्रॉग का मतलब होता है मछली फिश का मतलब होता है मेढक और टर्टल का मतलब होता है छिपकली अभी कोई लिखना मत अभी कोई लिखना मत क्या पता कुछ लोग लिख रहे हो है ना तो हो गया प्राणी मैम को बुलावा आ रहा है अच्छा हमको कौन बुला सकता है भाई टर्टल अच्छा टर्टल आंसर लगा दे लगा दे अब आप बताओ छिपकली केकड़ा मछली मेढक अब बताओ भाई हाँ जी हां जी कर लेंगे हम बात कर लेंगे अब बताओ जल्दी से अब किसी का ध्यान नहीं गया है एक दो बच्चों का ध्यान गया है किसी का ध्यान नहीं गया है भैया टर्टल कब से छिपकली होने लगी टर्टल कब से छिपकली होने लगी घोर कलयुग है ना घोर कलयुग किस कोई नहीं बोल रहा है सिर्फ एक बच्चे को छोड़ करके एक स्टूडेंट को छोड़ करके कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि मैम ने लिखा क्या है सब बस कमेंट किए जा रहे हैं कमेंट किए जा रहे हैं कमेंट किए जा रहे हैं तो राइट आंसर होगा हमारा फिश जिन्होंने फिश यानी कि ऑप्शन डी लगाया हुआ है ठीक है तो मीनिंग लिख दिया है अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ठीक देखो तो कर, टर्टल क्रैब और फ्रॉग ये तीनों ही क्या है उभयचर है ये आपका एम्फीबियन बोल सकते हैं ये आपका थल पर भी रहते हैं जल पर भी रहते हैं लेकिन फिश केवल जल की रानी है वो थल की रानी नहीं है क्योंकि बाहर निकालोगे तो मर जाएगी है ना सॉन्ग में ध्यान चला गया था मैम बड़का तुम लोगों का ध्यान खराब होके रखा हुआ है सॉन्ग पे ध्यान चला गया था शनि शुक्र धरती और बृहस्पति में एक आंसर बताना हम शनि शुक्र धरती और बृहस्पति में आंसर क्या हो जाएगा शनि क्योंकि यही वो देवता हैं जो कि सबको उनके कर्मों का फल देते हैं और इसलिए हम आंसर क्या लगा देंगे ए राम आंसर ए लगाया किसी ने ऐसा आंसर गलती से भी ये आंसर मत लगाना नहीं तो सारे के सारे कर्मों की सजा आज ही मिल जाएगी समझे देखो यहाँ पे ये यह नहीं होगा यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा अर्थ पृथ्वी क्यों क्योंकि आपका शनि शुक्र और बृहस्पति यहां पर जीवन नहीं है जीवन कहाँ पर है धरती पर है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्लियर चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम्म चलो ये करके दिखाओ तो जाने 29 में सी इनपुट है क्या करें हम बताओ कुंदन सूरज सबका अलग अलग आंसर आ रहा है भगवान सौरभ ब्रांडेड नितिन योगेश हां जी डी वाला फिगर एकदम करेक्ट है और ये हमको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन सी में मिल रहा है ठीक है ये हमको ऑप्शन सी में मिल रहा है और इसलिए आंसर होगा सी क्यों क्योंकि ये तीनों आपके रोमन अंक हैं और जो ये है ये आपका रोमन अंक नहीं है है ना तो अच्छा 29 में सी क्या बता रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून तो कमेंट आपका हम पढ़ नहीं पाए कुछ कह रहे हैं वोडाफोन समझे नहीं वोडाफोन समझे नहीं अच्छा वोडाफोन पे क्या नहीं समझे भाई अब आ गया हमारा ई e और टी और इन चारों में कोई एक विषम बताओ कौन सा विषम अच्छा कैसे लगा ये मयंक मयंक कैसे लगा आपको चलिए तो ध्यान दे लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर चार रेखाएं हैं यहां पर चार रेखाएं हैं यहां पर चार रेखाएं हैं लेकिन यहाँ पर दो ही रेखा है और इसलिए आंसर क्या लगाएंगे डी वाला फिगर और ये हमें कहाँ मिल रहा है ऑप्शन डी में मिल रहा है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है बहुत बढ़िया चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बी टी एल एस अब 10 सेकंड के अंदर फटाफट से करना शुरू करें क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में समझाना था तो हम रुक गए थे टाइमर हमने हटा दिया था अब 10 सेकंड में अब की बार आपके आशीर्वाद से रेलवे रेलवे को फोड़ देंगे बिल्कुल बिल्कुल मैथ जी तो ये हमारा दस सेकेंड समाप्त है ईश्वर आप सबका सेलेक्शन जल्दी से जल्दी कराए भाई ताकि आप लोग फिर मिठाई लेके हमारे पास आए देखिये यहाँ पे दो रेखा दो रेखा दो रेखा लेकिन ये सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है एस ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा D वाला फिगर और ये हमको कहां मिल रहा है ऑप्शन बी में हां जी, ठीक हाँ बहुत बढ़िया राहुल बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दस सेकेंड आपको फिर से दिया और अब बताओ यहां पर ओ ए यू और ई e. क्या आंसर आएगा आंसर देखो इन चारों में से हम कह देंगे ए वाला फिगर ए वाला फिगर क्यों कह देंगे इसलिए क्योंकि ए ई चारों चारों के चारों ही हैं है ना रेखाओं की बात हम कर नहीं सकते हैं तो सर्कल हम यहाँ पे आंसर लगा देंगे सर्कल आंसर इसलिए लगा देंगे क्योंकि ये पूरा कंप्लीट फिगर है और यू ए ई आपका कहीं ना कहीं आकृति छूटी हुई है छूटी हुई इन द सेंस कि ये एक पोर्शन हमें ओपन दिख रहा है है ना और ये चारों तरफ से बंद है और इसलिए आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा Z O F K बताओ Z O F K में क्या आंसर आ जाएगा तो एक बार फिर से 10 सेकेंड हमारा समाप्त और हम कह देंगे कि मैम B वाला फिगर क्योंकि Z C और K यानी Z F और K ये रेखाओं से मिलकर के बना हुआ है जबकि जो O है वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल यानी कि बंद कर रहा है अपने पूरे आकृति को है ना तो राइट आंसर क्या होगा बी वाला फिगर कर दो भाई सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर दो जल्दी से कर दिया सब्सक्राइब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और फिर से दिया दस सेकेंड का टाइम आप सब लोगों को वीडियो को तेजी से आप लोग लाइक करते जा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई चलिए बाकी का आंसर क्या आएगा बहुत बढ़िया तो यहां पर भी हमारा दस सेकेंड समाप्त देखो यहां पर पंचभुज के अंदर पंचभुज के अंदर चतुर्भुज के अंदर और यहाँ सर्कल के अंदर तो क्या लगता है क्या इस तरह का एक लॉजिक अभी हमने आपको क्वेश्चन करवाया था ना सेम लॉजिक सेम लॉजिक यही पर भी दिया गया है लेकिन इस तरह का मैंने बताया था ना कि ये ये भी रेखाओं में है रेखाओं में है रेखाओं में है ये रेखा के अंदर नहीं ये सर्कल के अंदर है व्रत के अंदर है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए और यहाँ पर तो पांच सेकेंड में आंसर आ जाएगा है कैसे पांच सेकंड में आंसर आ जाएगा क्योंकि बाकी सब रेखांकित आकृति है और ये वाली आकृति आपकी रेखांकित नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अब इसमें बताओ क्या आंसर लगा देंगे बिल्कुल सही डी इज द राइट आंसर क्यों क्योंकि यहां पर ये आपका कर्व शेप दे रहा है है ना ये कर्व शेप दे रहा है और ये आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो कर्व शेप वाला हमारा आंसर होगा तो इसलिए डी वाला फिगर जो कि हमको मिल रहा है कहा ऑप्शन बी में चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और हम लोग अब इकतालीसवें क्वेश्चन पर आ गए बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए चालीस क्वेश्चन हम लोगों ने एक घंटे में लगा लिए और यहां पर भी फटाफट से आंसर करो भाई यहां पर क्या आंसर होगा अब यहाँ पे क्या आंसर लगा दे अब यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन और है हमारे पास क्वेश्चनवा खत्म है अब ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या बताओ आ, किसी का बड़ा बड़ा सा कमेंट आ रहा है मैम क्वेश्चन अच्छा थर्टी एट वापस देख लें इत, इतनी तेजी से आपके कमेंट्स निकल रहे थे कि हम समझ ही नहीं पाए हम देखें भी कि नहीं देखें समझ ही नहीं आ रहा था थर्टी एट वापस से देखना है ठीक है देखो डी आंसर एकदम सही होगा क्योंकि ये डी वाला फिगर क्यों लगाए कोई लॉजिक बताएगा कोई हमें ये एक्सप्लेन कर सके कि डी आंसर क्यों होगा आ, प्रतीश कह रहे हैं प्रतीश एक बार आप हमें टेलीग्राम कर दीजिएगा ठीक है तो कुछ भी ऐसा है तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन हम अलग से इंक्लूड करवा देंगे पहले ही करवा देंगे वो क्वेश्चन आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा यहाँ ना आप जो कॉमेंट कर रहा हो इतनी स्पीड में निकल रहा है कि हम रीड नहीं कर पा रहे हैं आपके कॉमेंट जो छोटे छोटे से आंसर हैं उनको हम रीड कर ले जा रहे हैं अब देखो डी हमने क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे भी कम से कम एक नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा हो तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ भी बन रहा है पर यहां कोई भी राइट एंगल नहीं बन रहा है और इसलिए डी वाला फिगर यहां पर आंसर लगाया गया था आ गया समझ में ठीक है ठीक एक कह रहे हैं ट्वेंटी नाइन वाला देखो यहां सही आंसर जो ला... अब देखो इतने पीछे जाएंगे क्या चले जाएंगे कोई बात नहीं हां चले जाएंगे आ गए ठीक है कह रहे हैं कि मैम यहाँ पर आ, क्या बता रहे हैं माइक होगा कह रहे हैं मैम इसका आंसर माइक होगा क्योंकि लाइट स्पीकर प्रोजेक्टर और एम्पलीफायर कुछ ऐसा बता रहे हैं कि हो सी होगा सी होगा सी क्या बोल रहे हैं माइक है ना क्योंकि बाकी सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट है कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट है तो क्या कंप्यूटर में माइक नहीं होता है अगर लाउड स्पीकर की बात कर रहे हो तो प्रोजेक्टर की बात कर रहे हो तो एम्पलीफायर की बात कर रहे हो तो तो आपने बार बार ये कॉमेंट पर आपका मेरा नज़र अभी गया है आपने बार बार कॉपी पेस्ट किया पर हम रीड नहीं कर पा रहे थे ठीक है तो यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है अगर आपका लॉजिक सही होता तो हम खुद कहते हैं ना कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कहते हैं ना फिलहाल ये लॉजिक यहाँ का नहीं है है ना यहाँ पे ये है कि माइक लाउड स्पीकर प्रोजेक्टर और एम्पलीफायर में जो रियल जो लॉजिक लगाया गया वो ये कि प्रोजेक्टर आपका पिक्चर भी दिखाता ऑडियो के साथ आता है ठीक है आ गया समझ में चलिए बहुत बढ़िया चलिए तो आज के लिए इतना ही ये हम लोगों को क्वेश्चन हाँ बिल्कुल इनपुट आउटपुट की बात करें कंप्यूटर से हटा दें अगर हम कंप्यूटर की बात ना करके अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई तब तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो सकता है है ना लेकिन अगर आप कंप्यूटर की बात करोगे तो फिर वो वाला लॉजिक यहाँ परफेक्ट नहीं फिट हो रहा है तो आज के लिए इतना ही और आप सभी को बता दें यहाँ पर कि अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है तो आप फटाफट से अपने आप को एनरोल कर लो और आपको अभी भी टेस्ट अवेलेबल है आप लोग 25 मॉक टेस्ट हैं प्लस थ्योरी क्लासेस है थ्योरी क्लासेस के साथ दे रहा है ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ही मिल रहे हैं ऐसा नहीं है प्रैक्टिस क्लासेस थ्योरी क्लासेस और उसके साथ उसकी वर्कशीट वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं ठीक है तो आपको लगता है कहीं पे कोई दिक्कत है एक बार टेलीग्राम कीजिएगा कल जो सेशन होगा कल क्या है सैटरडे है बिल्कुल सेशन होगा तो उसमें पहले ही वो क्वेश्चन हम रखवा देंगे जिससे कि आप लोगों के वो डाउट्स दूर होते जाए और इसी के साथ ढेर सारे आपने लाइक्स किए हैं इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जल्द मुलाकात होगी कल आज के लिए इतना ही तब तक के लिए सावधान रहें सतर्क रहें जनता से मिलते रहें आज के लिए टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बाय बाय टू ऑल